सत्रपा बड़ खबर देखु बड़ खबर खुशी खबर जो गोटे आशा आशंका भितर समस्ते रही थे से प्रशासन हूँ प्रशासनिक अधिकारी हूँ मत्स्यजीवी पर हूँ समस्त गोटे आश्वस्तिर कथा कि फसी रही समस्त एगार मत्स्यजीवी को सुरक्षित भाव में उधार कर सारी से कूल को अणा जा सारी तो ये अपडेट पहुँचापर एसआरसी पक्षर किसी प्रतिक्रिया मिल पार कि निहाति भाव में देखूँ जहाँ एसआरसी पक्षर किसी समय पूर्व जहाँ प्रेस मीट होता से ही समय आम जहाँ देखी पाखापाखि सात जन को रेस्क्यू करा वर्तमान स्थित जहाँ ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि खबर दौरान कि सीधा सड़क भाव में एगार जन को रेस्क्यू कर सारी जो एगार जन फसिकी रही जाइए से वर्तमान स्थित रेस्क्यू कर भाव में एक बड़ खबर और खुशी विषय कहीं जदि देखा जो पखापाखि डाटी कूल को लगभग किसी समय कि दूरतु जहाँ फसिकी रही जितेबले फसिकी रही एगार जन जो जीवन जो मृत्यु सहित जुझुते से ही समय भारतीय तटरक्षा बाहन भारतीय तटरक्षा बाहन तरफ दुस्साहसिक कार्य दुस्साहसिक भाव में पदक्षेप निगला सीधा सड़क भाव में जदि कह चारिटा पैंचाश रु साढ़े छटा भितर सीधा सड़क भाव में एगार जन जो मैंने फसिकी रही समस्त को रेस्क्यू कराला निहाती भाव में एक गोटे बड़ खबर और खुशी खबर कहीं जिते आम देखी था जिते बात्या आसी थाए से ही समय अनेक एभली जो रही था मत्स्यजीवी कथा कहतु बा किए अन्य काम जाइए समुद्र भितर को फसिकी रही था से ही समय भारतीय तटरक्षा बाहन सब निजर तत्परता देखा था और लोकं रेस्क्यू करता तो निहाती भाव में ये गोटे बड़ कम कर देखे भारत भारतीय तटरक्षा बाहन की जो लोक मैंने जो मैंने फसिकी रही अणा जा एसआरसी पक्षर पूरापूरी भाव में जो प्रतिक्रिया रखुले एसआरसी तरफ कहुला कि जिला प्रशासन कथा कहतु और जिला प्रशासन कथा कहतु बा राज्य सरकार कथा कहतु भारतीय तटरक्षा बाहन कथा कहतु समस्त मिलित भाव में यह कार्यटी को करुंव समस्त को रेस्क्यू रेस्क्यू करा एवं फेज वाई फेज जेहेतु कि जितेबाला हेलिकप्टर टी जा पवन रेग कि मात्रा रोच समुद्र जेहेतु कि अशांत रही बोट भितर जो एगार जन फसिकी रही समस्त को एका सांगे रेस्क्यू करवा संभवपर नुहे तेणुक गोटे पर गोटे फेज वाई फेज समस्त को रेस्क्यू कर तार चित्र समस्ते टी स्क्रीन में आम देखुचे तो किभली भाव से रेस्क्यू करा वर्तमान स्थित जहाँ सबुठ बड़ खबर आसिकी पहुँची कि संपूर्ण जी जन रही समस्ते सुरक्षित भाव में स्थलभाग को छुई सारी स्थलभाग को आसी सारी स्वास्थ्य परीक्षा जांच कला ही जनापड़ कहार स्थित कौन अच्छी केमी अच्छी आम आशा रखा समस्त स्वास्थ्य जो एगार जन फसिकी रही समस्ते संपूर्ण भाव में सुरक्षित था तो ये जदि कह बात्यार स्थित को जहाँ आकलन करी कहला पुणी थरे एसआरसी को पक्षरु कहा जाइछि नि सत्रपा माने मोटा मोटी भाबर जदि हमें कहिबा जो माने ए घटना केवल सुनुथिबे होय त देखि परनथिबे जदि आपण विजुलाइज थरे करंतु माने मुंडो उपरे पूरा खोला आकाश तळे पाणी ही पाणी आखी जो पर्यंत जाउछि केवल पाणी ही पाणी आउ केहि भी दृश्य मानुहंती जो जो माने फसी रहिछंती से माने तो समुद्र भितरे फसी रहिछंती किंतु जो माने देखुछंती बिकुळरे चेष्टा करछंती से मानको पाखरे पहुंची से मानको उद्धार करिवे से मानको में बाधक साजुछी समुद्र रो करंट तो भावंतु गोटे सेकंड जदि आखी बंद करी आपण चिंता करिवे को परिस्थिति निहाते बापरे लोमो टांकुरी उठिबो एवं जो कंतनी हृस्पंदन बढ़ी जिवो एवं किंतु देखंतु सेही समर ही सबळ पई देवदूत साजिथांती भारतीय तटरक्षी बाहिनी जो माने ए सब माने ए जो परिस्थिति को निस्ते बारे भ्रुक्षेप न सब निज जीवन को भी विपन्न करी जो मैंने फसी रही था उद्धार कर गोटे बड़ सैल्यूट से तटरक्षी बाहिनी अधिकारी मानों पर जो मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन में सामिल रही सुरक्षित भाव में फसी रही मत्स्यजीवी को सेठ उद्धार कले सब बड़ कथा हूँ देखो शत्रु आप टीम वर्क घटना जितने पहुँचवा गंजाम जिला प्रशासन पाखे पहुँचवा जिलापाल एसआरसी को जनवा एसआरसी भारत तटरक्षी बाहन सहित कोऑर्डिनेशन कर आलोचना करने त्वरित बेगर हेलिकॉप्टर पठाजा सेठू सुरक्षा जो मैंने रही जो उद्धारकारी दल रही से पहुँचवा वन बै वन को रेस्क्यू करने कूल को आने जो प्रोसेस रही निहाती बाप जी थे आखि बंद कर चिंता करेंगे गोटे प्रकार भय लगे कि जदि खसी पड़ा तेल कौन हम से भय को मत सब काटी से उद्धारकारी दल फसी रही मत्स्यजीवी
ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଫେରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାବିଥିବେ କି ସେମାନେ ହୁଏତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଟଳି ଯାଇଛି, ସବୁ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇ ସାରିପାରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦର ପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ SRC କୁହନ୍ତୁ ବାବା, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଡିନେସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦର ପାତ୍ର। ସତୃପା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଖବର ଦେଲେ SRC ଦେଲେ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଉଥିଲେ SRC କି କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ତାପରେ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି କହିଲେ ପୁରା କ'ଣ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାନୀର ବିପଦ ତ ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଫେରୁଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନେ ଫସିଗଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ SRC ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା SRCଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କୋଡିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଯେହେତୁ କି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ, ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି 6ଟା ବେଳକୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଥିଲା କି ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଜଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, 6:30 ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସିଗଲା କି 7 ଜଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ଖବର ଦେଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ 11 ଜଣ ଫସିକି ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।